धन्यवाद एंड यूर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ओनियन। तो पिछले दो वीडियो में मैंने शायद बताया था कि मेरा जो बाइक है उसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, और एक वीडियो में मैंने शायद ये भी बताया था कि क्या क्या चेंजेस करने वाला हूँ। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद दो तीन वीडियो आए, एक था वॉशिंग का और एक था सर्विसिंग का, और उसके बाद वो असली चीज ही भूल गए आपको दिखाने के लिए। और इसके इसी टाइम के दौरान हम लोग निकल गए थे घाटसिला टूर पे। तो घाटसिला टूर पे वहाँ पे जो लोकेशन पे जब पहुंचा था उसी जगह उसी टूर के दौरान हम लोग डिसीजन लिया कि क्यों ना हम यहाँ पर ही कुछ चीजें आपको दिखा दें उस बाइक के बारे में जो मैंने चेंजेस करने वाला था और चेंज कर लिया ऑलरेडी। और इसको मॉडिफिकेशन कर कह सकते हो या फिर एक्सेसरीज देके उसको सजाना भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या मैंने चेंजेस करवाए बाइक में। तो मैंने जो 31 मई को अपलोड किया था वीडियो उसमें बताया था कि मेरा जो KTM Duke 200 है वो उसको मैं मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने लगवाया है विंडशील्ड ये वाला, और दूसरी जो चीज़ मैंने लगाया वो है हैंड गार्ड, और सामने जो नंबर प्लेट था उसको मैंने रिप्लेस किया है सामने मड गार्ड के ऊपर एक क्लैंप देके जिसको मैंने खरीदा था, खैर जहाँ भी खरीदा था वो आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और ये मैंने विंडशील्ड खरीदा था AliExpress से, और जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फास्ट कमेंट में दे दूंगा। और इसका प्राइस बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है। और हैंड गार्ड मैंने लिया था KTM शोरूम में, इसका भी प्राइस शायद 800 रुपये या 900 रुपये होगा दोनों का। ये तीन कलर में मिलता है, अवेलेबल है, वाइट, ऑरेंज और ब्लैक। और मैंने वाइट वाला लिया था, उस टाइम ऑरेंज कलर अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने वाइट वाला लिया। और उसके ऊपर ये जो ऑरेंज स्टिकर दिख रहा है ये मैंने लगवाया था बाद में लोकल शॉप में। ये जो नंबर प्लेट है आपको पता होगा ये मीटर के सामने एकदम रहता है ड्यूब में, तो उसको मैंने रिप्लेस किया। और सामने जो मड गार्ड है उसके ऊपर इसको प्लेस किया ये क्लैंप देके, और क्लैंप जहाँ मैंने लिया था ऑनलाइन में खरीदा था उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप देख सकते हैं ये नंबर प्लेट प्रोटेक्टर लगाया है मैंने 5R का, और ये नंबर प्लेट को बहुत ही अच्छी तरह से इसको प्रोटेक्ट करता है बेंड होने से और टूटने से। और ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और जो एलो व्हील है, एलो व्हील ये अभी का जो BS4 मॉडल है वो अभी एलो व्हील ऑरेंज कलर का आता है, और मेरा जो है ये 2016 का मॉडल है इसलिए ये ब्लैक कलर का था, और इसके ऊपर मैंने ये ऑरेंज कलर का स्टिकर लगवाया सामने फ्रंट व्हील में और रियर व्हील में। और ज़्यादा कुछ नहीं किया। और ये जो भाई ट्रक का लोगो है, ये टैंक बैग मैंने खरीदा था उसका भी मैं एक रिव्यू दूंगा बाद में किसी दूसरे वीडियो में। ये टैंक बैग का लोगो है, ये स्टिकर मैंने लगवाया। और ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इतना ही। और ये सब कुछ करने में आपको पूरा का पूरा 2000 रुपये में हो जाएगा, सिर्फ 2K, ओनली 2K। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और कमेंट में बताइएगा ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और खास करके ये मॉडिफिकेशन आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और